दिस इज एंड आई वेलकम ऑफ यू ऑन पाकिस्तान करंट अफेयर आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मिस वी टारगेट्स इन सीजन इसकी वजूहत जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पाकिस्तान में जो है गंदम की पैदावार में कमी आती जा रही है और हमारा सालाना यहाँ का इस्तेमाल कितना है और साथ साथ हम देखेंगे कि क्यों जो है पाकिस्तान में गंदम और आटे का जो बहान है वो सर उठाता रहता है तो आईडी सबसे पहले आप इस स्लाइड को देख लीजिए पहले स्लाइड्स को इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान जो है अभी गंदम के बहरान से आटे के बहरान से बाहर नहीं निकला इसकी तफ्तीश कर रही है हमारी एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं लेकिन दोबारा से गंदम बहरान का जो खतरा है वह मुंडलाने लगा है पाकिस्तान में उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है इस दफा दोबारा से इस साल जो गंदम की पैदावार हुई है वो मतलूबा हदफ से कम पैदावार हुई है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो मतलूबा टारगेट्स में उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो नहीं कर सकेगी और गंदम का बरान जो है वो दोबारा से सर उठा सकता है आपको बताते चलें कि पंजाब जो है पाकिस्तान की गंदम की पैदावार में 70 परसेंट जो है पार्टिसिपेट करता है और ज्यादातर जो है पंजाब में इस दफा गंदम की जो पैदावार है वो पंजाब के ज्यादातर एरियाज में कम हुई है इसकी वजूहत क्या है मैं आपको अगली साइड में जाकर बताता हूँ तो इस्तीफ़ा गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन सताईस मिलियन टन जो है गंदम का जो है टारगेट रखा हुआ था लेकिन कम पैदावार होने की वजह से जो हमारे यहाँ इस्तीफ़ा पैदावार है वो 25 मिलियन टन तक ही जो है वो हो सकती है और आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान में भी सालाना जो खपत है गंदम का यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वह वो, वो भी पच्चीस मिलियन टन है और ये मसलसल दूसरे साल जो है गंदम की पैदावार में कमी आ रही है पिछले साल सन 2019 को भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी उसने गंदम का जो टारगेट रखा हुआ था ये 25 मिलियन टन रखा हुआ था लेकिन 2.5 परसेंट उसमें गिरावट आई और तकरीबन चौबीस अशारिया सैतालीस मिलियन टन ही जो है गंदम हम हासिल कर पाए जिसकी वजह से कौमी जो स्टोर हैं वहां से गंदम की किल्लत पैदा हुई और आपको पता ना चाहिए कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार का जो सीजन है ये अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी मार्च तक जो है जारी रहता है और दो प्रोवेंसेस जो है पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में खुद कफील हैं सिंध और पंजाब पंजाब सेवेंटी परसेंट गंदम पैदा करता है पाकिस्तान भर की और सिंध जो है वो आलमोस्ट फोर्टीन परसेंट जो है पार्टिसिपेट करता है अब जी देखते हैं कि क्यों पाकिस्तान में जो गंदम की पैदावार सलाहियत है वो आस्था आस्ता से कम होती जा रही है तो इस दफ़ा तो एक तो अन सीजनल रेंस ने जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट किया गया ज़रूरी और ज्यादा बारिशों की वजह से जो गंदम की फसलें हैं उनको नुकसान हुआ और किसान जो है उनकी बर वक्त जो है कटाई ना कर सके जिसकी वजह से जो है गंदम का जो है नुकसान उठाना पड़ा किसानों को भारी मक़दार में और साथ साथ दूसरा बड़ा जो ख़तरा था हमारे फ़सलों को वो था टिड्डी दल का हकम पाकिस्तान की नाहली गफलत और लापरवाही की वजह से जो टिड्डी दल का हमला था उसके तदारक के, के लिए भी बर वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इकदाम ना कर सकी जिसकी वजह से हमारी गंदम को काफी नुकसान पहुँचा और गंदम की पैदावार जो है वो कम हुई और इसके अलावा जो दिगर वजूहत हैं तकनीकी वजूहत हैं उसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है जबकि किसानों को जो है उनका सिला नहीं दिया जा रहा जो किसान मेहनत करते हैं उसके बदले में उनको जो मुनाफा है वो नहीं दिए दिया जा रहा और ज़्यादातर जो मिडल मैन हैं वही प्रॉफिट जो है वो बटोर जाते हैं और फर्टिलाइजर और जो ज़रा आलात हैं वो महंगे हैं बिजली महंगी है जिसकी वजह से किसानों की पैदावार जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं जबकि उसके बदले में उनको जो है उस मकदार में मुनाफा नहीं मिल रहा इस दफा गवर्नमेंट ने तकरीबन जी पैंतीस पर केजी प्राइस रखी है गंदम की जो है गंदम के एक किलो की जो प्राइस है गवर्नमेंट ने पैंतीस रुपये रखी है और चालीस किलो की जो प्राइस है वो चौदह सौ रुपया रखी है यानी कि एक मन जो गंदम है किसान से वो चौदह सौ रुपये में खरीदी जाएगी जबकि अगर हम देखें इसके बरक्स जो किसान की मेहनत है तो वो इससे कई गुना जो है वो ज्यादा है जिसकी वजह से किसान जो है वो गंदम की फसलों और खासतौर पर जरात की तरफ जो है वो उससे अपना जो धान है वो पीछे मोड़ते जा रहे हैं पुअर इरीगेशन सिस्टम है ये भी गंदम की पैदावार में कमी का एक बुनियादी फैक्टर है और जो दीगर जराई आ, तकनीकी हेल्प आउट है किसानों की वो भी आ, नहीं कर रहे हमारे अदारे जिसकी वजह से जो ज़रात में खुद कफील मुल्क जो है वहाँ पर गंदम का बरान जो है वो सार उठाने लगा है और हम जो है आ, बाहर से गंदम को अब इम्पोर्ट करने लगे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब आपको जाते जाते मैं वीट क्राइसिस के बारे में बताऊँ कि हाल ही में जो एक वीट क्राइसिस हुआ पाकिस्तान में आलमोस्ट दिसंबर दो हज़ार उन्नीस और जनवरी दो हजार बीस में जब यहाँ आटे की प्राइस जो है रातों रात पंद्रह रुपये से पर केजी से साठ रुपए पर केजी तक पहुंच गई थी मुल्क भर में तो उसकी वजह जो थी गवर्नमेंट की नहली थी और जो जहराज और स्मगलर थे उन्होंने ज़्यादातर जो गंदम थी वो जहीरा कर ली थी स्मगलर थे उन्होंने गंदम जो है अफगानिस्तान में स्मगल कर दी थी जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कोताही हुई थी कि हमारा एक अदारा है कौमी अदारा पास को यानी कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन जो कि जो फूड की स्टोरेज है वो यकीनी बनाता है तो इसकी नहली की वजह से तकरीबन पैंतीस परसेंट जो गंदम की खरीदारी है वो टारगेट से कम जो है बाय की गई और सेवन मिलियन टन टारगेट था खरीदा जाना था गंदम को किसानों से लेकिन टू फाइव मिलियन टन ही गंदम खरीदी जा सकी सेकंडली गंदम की कम पैदावार हुई थी पिछले साल भी और चिड्डी दिल के हमले की वजह से भी जो गंदम की पैदावार थी वो अच्छी खासी मुतासर हुई तो ये वजुहत थी जिसकी वजह से गंदम का बहरान जो है उसने जन्म लिया और मुल्क भर में लोग गंदम के लिए लाइनों में लगे नजर आए तो ये जी आज का टॉपिक था उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है पसंद आया है तो लाजमी लाइक करना है और कमेंट का ज़हर करना है हाफिज